सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल राधा रजवंशी ब्लॉग, एंड आपका मेरे चैनल पर बहुत स्वागत है। तो जैसा कि पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग वृंदावन पहुँच चुके थे और प्रेम मंदिर तक पहुँच चुके थे, तो चलिए आगे देखिए। जैसे ही प्रेम मंदिर की तरफ हम लोग बढ़े, तब तक टीका लगाने के लिए दौड़ते हुए आई ये छोटी सी बच्ची। तो यहाँ शिवानी को टीका लगाई और यहाँ मम्मी को। तो मम्मी पहले बोल रही थी मेरे को लगाने के लिए, तो हम बोले नहीं आप लगवा लीजिए। उसके बाद फिर हम भी लगवा लिए थे और यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था ना, छोटे छोटे से बच्चे सब लोग टीका लगाए थे और अच्छा है, मतलब पैसे भी लेते हैं तो अच्छा है, कोई गरीब मतलब ये नहीं रहेगा। तो हम लोग इसलिए छोटी सी बच्ची पहले जो आई उससे हम लोग लगवा लिए थे। तो यहाँ पे राधे राधे ये लिख रही थी, फिर मेरी बारी आई तो मेरे को भी, और हम थोड़े बहुत ज़्यादा लंबे तो मेरे को इतना झुकना पड़ रहा था क्योंकि छोटी बच्ची थी और बहुत प्यारा सा टीका की थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और राधे राधे गाइस, तो हम लोग अचानक, हम लोग पीछे थे, शिवानी आगे थी, तो वो दौड़ी हुई आई है लड़की और लगाने लगी है शिवानी को। तो उसके पास आ जाओ, काम काम अचानक से आ गई आगे से, जो पहले आ गया उससे लगवाए। हाँ तो अच्छा भी, खराब भी तो लगता है, कैसे रोकेंगे लोग। तो हम लोग लगा लिए तीनों को ही, देखिए मम्मी हम और शिवानी। गाइस हमारा जो शुरुआत हुआ ना, चलिए दिखाते हैं किससे हुआ है। तो वो है दुर्गा माँ। हाँ मतलब हम सोचे भी नहीं थे, हम लोग प्रेम मंदिर जा रहे थे, रास्ते में ये मंदिर मिला और ये दुर्गा माँ का है, और आप लोगों को तो पता ही है कि दुर्गा माँ। तो चलिए तो जैसे ही वृंदावन के तरफ गए लोग, मतलब प्रेम मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे लोग, तो सबसे पहले मिला हम माँ कात्यायनी मंदिर। तो इसमें हम लोग गए और बहुत खुशी खुशी गए। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो यहाँ पे माँ कात्यायनी जी के मंदिर में प्रवेश किए, उनका दर्शन किए, फिर पता चला कि कैमरा अलाउ नहीं है, तो फिर हम फ़ोन बंद करवा दिए थे। इसमें अलाउ नहीं है लेना, तो अंदर हम नहीं ले पाए हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो थोड़ा सा माँ दिख रही होंगी, तो इसी से दर्शन कर लीजिए। फिर यहाँ पे दर्शन करके आए, एक दो फोटो ले रहे थे, तब तक देखे मम्मी यहाँ चाय पी रही है, तो खुशी हुआ देख के, खुद से ही यहाँ आके पी रही है मम्मी। हम सोचे थे कि बाहर निकाल के बोलेंगे पीने, क्योंकि कुछ भी खाई पी नहीं थी मम्मी, और मम्मी का तबीयत ठीक नहीं रहता है। फिर हम लोग बढ़े प्रेम मंदिर की तरफ, मतलब यहाँ आते हम जो बताएंगे ना क्या फील हुआ था, आगे देखते रहिए आप। फिर यहाँ आए, तब तक जो टीका करने वाली होती हैं लोग, वो एक रोक लिए और बोले कि नहीं हम ये वाला टीका लगाएंगे। और मेरे को ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोग देखे होंगे हम अपने शादी में भी लगाए हुए थे इस तरीके का टीका, तो हम हमेशा से लगाते आए हैं ऐसे टीका, तो मिल गई लगाने वाली, तो हम बोले ठीक है लगा लीजिए। और ये लगाने के बाद ना, मतलब हम खुद को बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे, सच में ये बहुत अच्छे से लगा दी थी। और देखिए अच्छे से, मतलब आप लोगों को इतने लोग वहाँ मिल जाएंगे ना टीका लगाने वाले, मतलब बहुत सारे। उधर एक शिवानी को भी लगा रही थी, इधर मेरे को, तो हम एक ही रिकॉर्ड कर पाए, बस खुद का रिकॉर्ड कर पाए यहाँ पे, तो दिखाएंगे आपको लगाने के बाद। बहुत ही सुंदर लग रहा था ये, और ये भी एक आर्ट है, देख सकते हो आप कितना सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो यहाँ पर भी फिर से लगाई थी जो लगता है, और मतलब एक खूबसूरती में चार चंद लगा देता है ये हमारा जो टीका है राधे राधे का, और एक बहुत अच्छा फील होता है कि हम कृष्ण भक्त हैं, राधा भक्त हैं, ऐसा तो अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं, बताइएगा कैसे लग रहे हैं हम, ठीक है। हमको बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट वहाँ मिला था कि हम रियल में राधा रानी लग रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेम मंदिर देख सकते हैं वह कितना सुंदर है, और बहुत देर बाद तो हम रिकॉर्ड करना स्टार्ट किए थे यहाँ पे ये चीज़, जब मम्मी बोली तब। हम यहाँ आने के बाद आधा घंटा तक कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किए थे, थमसा गया था सब कुछ। सो गाइस अच्छा लग रहा है ना, तो हम लोग आ गए हैं प्रेम मंदिर, और सच कहें तो हम, मेरा धड़कन बहुत तेज है ना मम्मी, मम्मी को हम दिखाए भी हैं कि देखिए कितना धक 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 हो रहा है, पता नहीं क्यों देखते ही अजीब सा हो गया, थोड़ा इमोशनल हो गए। मम्मी अभी बोली तुम वीडियो नहीं बनाओगी, तब मोबाइल निकाले हैं ना मम्मी, क्या बोली हैं आप? मतलब ऐसा कि हम थम गए थे, वहीं खड़े थे, अंदर भी नहीं आए थे, बस वहीं खड़े, मतलब अजीब सा अभी भी भारीपन है यहाँ पे।
एक तो यकीन नहीं हो रहा है कि हम आ चुके हैं यहाँ पे, एकदम स्वर्ग सा सुंदर है ना मम्मी। वैसे तो हम जिंदगी में देखे ही नहीं थे, हम भी नहीं देखे हैं। लाइफ बहुत खूबसूरत, जितना तारीफ करें कम है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए दिखाएंगे आप लोगों को भी सारा कुछ, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, है ना मम्मी। मीना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने री छोरी, रज धाम राधा जी की रज धाने लागे, रज धाने लागे, मने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे, मने खारो खारो यमुना जी रो पानी गाइस। पीछे देख सकते हैं राधे राधे मंदिर है, कितना सुंदर सूर्य भगवान दिख रहे हैं वहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सच में एकदम लग रहा है ना कि हम लोग स्वर्ग में आ गए, नो डाउट। लाइफ में कभी नहीं देखे, मतलब वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है, हम लोग जबरदस्ती बना रहे हैं कि ताकि मेमोरी के तौर पे हो जाए। मतलब एकदम अद्भुत है सब, बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से। कैसा लगा मम्मी, क्या बोलिए देख के? क्या बोलिए, बहुत सुंदर है। मम्मी बोले वाव, इधर देखो कितना सुंदर है। सो गाइस, सच में मेरे को अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम वृंदावन में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ प्रेम मंदिर के सामने खड़े हैं। मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम आ चुके हैं कान्हा जी से मिलने के लिए। बहुत सपना सपना सा लग रहा था सब कुछ, और बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ देख सकते हैं गोवर्धन पर्वत जो कान्हा जी उठाए हुए थे वो यहाँ बनाया हुआ था, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। थोड़ा बहुत मम्मी कैप्चर कर दी तो ब्लॉग बन गया, नहीं तो मेरा तो सुदबुद सब खोए हुए थे। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कब बनवाए कब क्या करें, समझ नहीं आ रहा था। तो फिर यहाँ पर वहीं हम देख रहे थे, और मम्मी को बताएं कि अच्छे से ले लीजिए वीडियो, ताकि गोवर्धन पर्वत के साथ थोड़ा सा वीडियो अच्छा सा प्यारा सा आ जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा था, और क्या बोलें, फिर से जाने का मन कर रहा है। यहाँ पे मम्मी के साथ भी थोड़ा सा ले लिया, और मेरी मम्मी बहुत खुश थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कहीं वो घूमने गई थी, आज से पहले कभी भी नहीं गई थी, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। तो मंदिर के अंदर जाने के लिए चप्पल उतारना था, तो यहाँ पे चप्पल जो था वो जमा हो रहा था, तो हम और मम्मी यहाँ पे चप्पल को एक इस तरीके का झोला बनाया हुआ था कि इसमें डाल के और जमा कर देना है, और फिर आपको एक नंबर मिलेगा, फिर आके अपना ले लेना है। तो यहाँ पे वहीं हम अपना सैंडल खोले, और अच्छा था नल वगैरह सब था हाथ धोने के लिए, वरना चप्पल पहन के मंदिर के अंदर तो नहीं जाते, सॉरी चप्पल छूने के बाद। तो फिर हम वहाँ पे साइड में नल था, मम्मी यहाँ जमा करने गई, और हम आज मेरी जो वीडियोग्राफर है वो है मेरी मम्मी, तो मम्मी से ही बनवा रहे हैं, और मेरा आधा काट दे रही है। क्यों मम्मी ऐसा आप क्यों कर रही हैं ये बताइए, इधर से तक रहे मम्मी का मेन ये है ना, जैसे मेरे साथ भी हो रहा है कि आंख नहीं हट रहा है मंदिर से,
तो लग रहा है ये देख ले, ये क्या है, वो देख ले, ऐसा हो जा रहा है। अद्भुत है, अद्भुत। जो नहीं आए हैं प्लीज 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 आइए, प्लीज बस प्लीज बोल सकते हैं आप, आ सकते हो। मतलब स्पीचलेस है हम, एकदम स्पीचलेस। रोना भी आ रहा है बट आंसू नहीं गिर रहा है, बस सीना भारी हो चुका है बस। तो चलिए ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए और अपना जो फेवरेट है वहाँ पे जा रहे हैं फिलहाल। चलिए दिखाते हैं कहाँ पे। तो ये है जो रियल प्रेम जिसको बोल सकते हो। यहाँ देखिए लिखा हुआ है श्री राधा चरणों में कृष्ण का मुकुट रखना। मतलब कृष्ण जी राधा जी से इतना प्यार किए हैं ना कि क्या ही बोले। वरना आजकल लोग तो पैर छू ही नहीं सकते हैं लेडीज़ का, तो वही बात हो जाता है। तो यहाँ पे मंदिर के अंदर जा रहे थे तो यहाँ पे शिवानी से रिकॉर्ड करवा लिए थोड़ा सा, और अंदर अलाउ नहीं था लेना वीडियो, थोड़ा सा ये ले लिए। देखिए राधा कृष्ण हैं और यही मूर्ति है प्रेम मंदिर के अंदर, तो दूर से ही हल्का सा ले लिए। फिर आगे जाके मेरे को पता चला था कि वीडियो नहीं लेना। गाइस अभी हम लोग दर्शन भी करके आए हैं, अंदर कैमरा अलाउ नहीं था इसलिए हम ऑन भी नहीं किए। बहुत लोग तो चुपके से ले रहे थे बट मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो जो नज़रों से दिल में बसते हैं ना भगवान, है ना मम्मी, वो कैमरा में क्या बसेंगे। और एकदम आने का मन नहीं कर रहा था, रोना भी आ गया, मेरा नाक बह रहा है फिलहाल, बस बह जा रहा है बहुत। सो गाइस फिलहाल प्रेम मंदिर में देख सकते हैं लाइट जल रहा है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं बहुत प्यारा लग रहा है लाइट जल रहा है। तो सो गाइस आप देख सकते हो इतना प्यारा नज़ारा है प्रेम मंदिर के पास। और रात में ज़रूर जाइएगा अगर आप प्रेम मंदिर जाना चाहते हो, तो जो लाइट जलता है ना इतना खूबसूरत लगता है ना रात में। अभी तो और शाम होगा तो पूरा लाइट जल गया था तो और भी अच्छा लग रहा था, सच में बहुत प्यारा। सो गाइस हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे जगह और ज़्यादा खूबसूरत है, हद से ज़्यादा वाला खूबसूरत। अब मेरी मम्मी खुश है और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। चलिए चलते हैं, जैसे जैसे शाम हो रहा था ना और जैसे जैसे लाइट जल रहा था खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। तो हम लोग को निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, मतलब बार बार लग रहा था अब हम लोग निकलते हैं क्योंकि बहुत जगह घूमना बाकी था। अभी फर्स्ट तो यहीं पे अभी हम लोग आए थे प्रेम मंदिर में ही, अभी बांके बिहारी मंदिर भी जाना था बट सच में निकलने का मन नहीं कर रहा था। फिर हम लोग यहाँ पे देखते रह गए, जब हम लोग बाहर निकल रहे थे तो साइड में ये सब भी मूर्तियाँ थी जो हम लोग नहीं देखे थे तो वो देखने लगे। फिर प्रेम मंदिर का नज़ारा इस साइड से देख सकते हो, कितना खूबसूरत लग रहा है गाइस। सच में अभी हम एडिट कर रहे हैं ना तो आंखें भर आ रहा है कि मतलब कितना प्यारा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये अगले साइड से, मतलब सामने से जहाँ से हम लोग इन किए थे वहाँ का है ये, इतना खूबसूरत। सो गाइस हम लोग बांके बिहारी मंदिर आए हैं फिलहाल, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बांके बिहारी मंदिर के पास हम लोग जा रहे थे और यहाँ प्रसाद वगैरह भी लेना था और कुछ कुछ माला लेना था। तो यहाँ मूर्ति भी हम लोग देख रहे थे सब कुछ। और ये जो मंदिर में हुआ था ना, हम बता ही नहीं सकते क्या हुआ था, मतलब इस वीडियो में नहीं बता सकते, बहुत लंबा स्टोरी है। और बहुत लाइन भी लगना पड़ा था, फिर हम लोग जब इन किए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किए, बस थोड़ा सा ये रिकॉर्ड किए। आप मेरा आँख देख सकते हो, बहुत ज़्यादा हम इस मंदिर में रोए थे, बहुत ज़्यादा। और ये थोड़ा सा जल्दी से कैमरा निकालें और रिकॉर्ड किए, हम वहाँ माथा टेकने गए थे वहाँ लास्ट तक जहाँ हैं, तो बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ पे कैमरा ऑन किए थे ब्लॉगिंग करने के लिए, मम्मी यहाँ खिलाने लगी तो रिकॉर्ड हो गया। और पता है यहाँ हम खा नहीं रहे थे इसलिए मम्मी मेरे को बोली कि नहीं खा लो। कभी कभी होता है ना कि आपका मन ही नहीं होता खाने का, और यहाँ वही हुआ था। मेरा आँख देख सकते हैं पूरा रेड हो गया है रोने की वजह से, तो बहुत मिक्स फीलिंग था, खुशी भी और आंसू भी। सो गाइस आ गए घर दर्शन करके और बांके बिहारी जी का दर्शन एकदम हम अंदर जाके नहीं कर पाए, मतलब भीड़ देख के डर गए। बट एक होता है ना जब सब कुछ हो जाता है तो फिर पछतावा होने लगता है, तो वही हो रहा है कि चले जाना चाहिए था क्या। बट हाँ बहुत दूर से हुआ बट दर्शन वो मेरे को दिखे, आरती होते हुए भी दिखे वो। और फिर लास्ट में क्या हुआ कि एक पंडित जी थे तो वो मेरे को देख लिए क्योंकि हम रो रहे थे। मेरे को मन था पास में जाने का लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा था क्योंकि भीड़ की वजह से मेरे को थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाता है, तो इसलिए फिर पंडित जी देखे तो मेरे को वहाँ तक वो लेके गए और प्रणाम करवाएं। तो
दर्शन हो गया, फिर ये माला दिए, प्रसाद दिए, तो अच्छा लगा। और ब्लॉगिंग तो हम भूल ही गए कि हम ब्लॉगिंग करते हैं, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, जबकि हम पीछे से कर सकते थे, वो मेरे को दिख रहे थे, भले पास नहीं गए थे, बहुत पीछे थे हम, बट वो मेरे को दिख रहे थे बांके बिहारी जी, बट फिर भी हम ना फोटो लिए ना वीडियो लिए, हम भूल चुके थे, सब कुछ भूल गए थे। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और शिवानी की तो एकदम पास से दर्शन की, हम मम्मी मेरे साथ ही रुक गई थी पीछे, बट शिवानी एकदम पास से दर्शन की, आरती देखी, फिर जो छिड़काव होता है जल का, इतना छिड़काव हुआ था पूरा भीग भी गई थी। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर मेरे को हिम्मत हुआ तो हम जरूर हम भी आगे जाएंगे, बट इस बार शायद इतना ही दर्शन लिखा था होना, बट हो गया। मेन है कि हम देख लिए उनको और मम्मी नहीं देख पाई है ना, मम्मी नहीं देख पाई, मेरे वजह से ये रुक गई, क्योंकि मेरे को थोड़ा ऐसे ऐसे वाला होने लगा था, बट कोई बात नहीं। बांके बिहारी की जय, लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। राधे राधे, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ये ब्लॉग अच्छा तो लगा ही होगा, तो लाइक करने का नहीं बोलेंगे। इस ब्लॉग में कुछ नहीं चाहिए मेरे को, लाइक शेयर कुछ नहीं चाहिए, बस ये अपने दिल से शेयर किए हैं। वृंदावन आ गए, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा बात है, एक सपना सा है, तो बस यही बोलना चाहते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।